बोलो अब आप पूछे बोलो महाराज तो आप जैसे की दे सकते हैं। तो हम मैं दोस्तों इस समय डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में और ये है दोस्तों गोम्पा रोड। तो मासी से अलविदा, जय श्री राम और फिर मिलते हैं। बाय 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 बोल दो लाइक। बहुत ही प्यारा मंदिर बना है और ये पुरानी गली है दोस्तों बचपन की। यहाँ पे फिर हो गया झोल दीदी स्मार्ट। मामू जी, मामू जी हाँ कैसे हैं? बड़ी बड़ी माफ़ी चाहते हैं आपसे दोस्तों, सबसे बड़े मासी जी हमारे। तो ये आइज का इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम ना, मानते नहीं मैं वो। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग दोस्ती। मेरा नाम है कार्तिक राणा और कहाँ है दोस्तों ब्लॉग बनाना। आप देख रहे होंगे कि हम कहाँ हैं दोस्तों, अगर पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा तो हम मैं दोस्तों इस समय डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में और ये है दोस्तों गोम्पा रोड जो साढ़ा भाई गोम्पा है। तो पिछले ब्लॉग में हमने उसको एक्सप्लोर किया था और मेरी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, मैं घर से चार्जर लाना भूल चुका था। तो पूरा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट भ्रमण कर लिया दोस्तों लेकिन चार्जर कहीं भी नहीं मिला और हम घूम लिए। हमारे मासी जी पहले भी मिल चुके होंगे आप, तो काफ़ी ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग ब्लॉग बन गई थे दोस्तों बनाने की कोशिश करते हो। अगर झिनचक झिनचक करेंगे जाके और कुछ अच्छा सा करेंगे तो भाई जी हमारे। और यहाँ पे मासी जी तो ये जाने दे रहे हैं, इनको पता नहीं है कि भाई मेरे को काम भी है। ठीक है ना, तो आज दोस्तों से जाना आराम से जाना। ठीक है, तो मुझे भी अब ऑफिस जाना है, मेरे को भी अभी टाइम है। सुन सकते हैं आप दोस्तों क्या बोल रहे हैं ये, तो फिर मिलते हैं दोस्तों बाकी बढ़ते हैं हम दोस्तों। मासी से अलविदा, जय श्री राम और मिलते हैं। बाय 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 बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों वॉइस इशू है, आगे बढ़ते हैं, चलिए ओके। चौक के पास तो अभी साथ में पहले भी मतलब की दुकानें सारी बंद है, तो मैं तो फिर कैब वगैरह चाहिए। तो ये बचपन की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट यादें दोस्तों। सामने पिछली माह देख रहा टेम्पल बहुत ही बढ़िया। तो अभी जल्दी नानी के घर विजिट करते, मामा से मिलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और बैक साइड दोस्तों लड़ाई होगी एकदम से, आते आते इंसिडेंट हो गया बड़ा गंदा ना। तो हम निचली तरफ जाते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा टेंपल है। ये दोस्तों पुराना बचपन का मार्ग है हमारा, जो हम मतलब कि छोटे में ना जय श्री राम। तो बहुत ही प्यारा मंदिर बना है और ये पुरानी गलियाँ दोस्तों बचपन की, यहाँ पर खेला कूदा करते थे। और इसी तरफ लेफ्ट टर्न लेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे संतराम ढाबा, ठाकुर ढाबा, अमृतसर क्लाथ हाउस। तो इस तरफ को दोस्तों प्राइमरी स्कूल है, तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुकी है 3-4 साल के अंदर। और यहीं से नीचे जिस सीधे चले जाएंगे तो पुराना पुल आता है, ओल्ड पुल। तो आगे बढ़ते दोस्तों, मेरे को लेनी है कैब। कैब पूछते पहले किसी के पास मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो जयराम जी की। तो हमने यहाँ पे मासी ने जो 1000 के लिए थे उसकी शॉपिंग की। एक ये शर्ट लिए, ये शर्ट ये दी दीदी ने मुझे 550 रुपये में बॉस कंपनी की। और साथ में ली है ये कैप। और दीदी क्या क्या चीज़ें आपकी दुकान में? अब हम ब्लॉग बना रहे हैं आपके साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टी-शर्ट होगा, जैकेट होगा। ये आप नियर प्राइमरी स्कूल के पास आ सकते हैं, भुंतर नीचे तरफ जो मंदिर है उससे नीचे आए। और यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं, नूडल्स अगरबत्तियाँ भी हैं दोस्तों, एग नूडल्स। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये दीदी का नाम है यहाँ पे दोस्तों, और ये दो भाई भी लेने आए हैं यहाँ पे सामान। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लेते हैं और फिर चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे देखो लोकेट्स भी हैं। ये किस चीज़ के बने दीदी, हड्डियों के हैं ये? यहाँ पे हो गया झोल, दीदी सामान बेच रहे थे उन बंदों को और वो चले गए, वो हाथ का लगाने वाला पहन के चले गए। तो मेरे ये धूप दोस्तों, ये धूप यहाँ पे 25 रुपए का अगरबत्ती टाइप है। बाकी देखते हैं कि क्या बनता है, दीदी से पूछते मिले उनको या नहीं मिले। दीदी मिल गया पैसा? तो ये बिना दिए कैसे चले गए? फाइनली दोस्तों पैसे, ये धूप गिफ्ट किया, देख सकते हैं आप, पोटाला इंसेंस, पोटाला
अगरबत्ती दोस्तों, जहाँ पे मेरी फोर्थ फिफ्थ क्लास जो है स्टैंडर्ड में मैं यहाँ पे पढ़ा था। तो मैं क्या, चलो अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा कर ले, तो अब आगे बढ़ते हैं इस मार्ग से। चलिए दोस्तों बने रहिए, चलते हैं अब आगे गांव शुरू की ओर। चलिए दोस्तों ये है मामा जी का घर, पर मामा चलिए आगे। दोस्तों ये मेरे मामा, मामा जी हेलो कैसे हैं, बोलो कुछ। हम बढ़िया है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप सामने बिजली महादेव मंदिर, और अब इनसे बात करते फिर मिलते। हेलो तो दोस्तों ये है मामी जी, ये है मामू जी। मामू जी हाय, कैसे हैं? बढ़िया है। तो अभी ड्यूटी पे जा रहे थे, मैंने रोक दिया इनको, मैं आ गया। एकदम से सरप्राइज हो गई है कि कौन आया भाई हमारे दरबार में आज। तो दोस्तों ये है मेरे मामू जी का घर। ये अभी कौन सी उसमें आप आ रहे हो? नहीं, वीडियो बन गया? नहीं, आ रहा हूं अभी, रेंज ऑफिसर। तो कब रिटायरमेंट कब होने वाली आपकी? 28 में। तब दोस्तों फिर से मिलेंगे इनसे, तो हम बातचीत करते हैं इनसे, फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही। अभी हम जाएंगे फिर मासी जी के पास, उसके बाद मिलेंगे आपसे, बाय। तो दोस्तों मामा जी के दो लड़के हैं, उनमें से छोटे वाला ये हमारा रविश ठाकुर। तो दोस्तों ये कॉलेज में पढ़ता है, तो ये कुल्लू के बारे में कुछ आपको बताना चाहता है कि कुल्लू बुंदर में क्या क्या स्पोर्ट्स जो है वो बढ़िया बढ़िया है देखने वाले, और कुछ अपने बारे में बताएगा। तो बोलो आप कुछ बोलो महाराज। तो आप जैसे कि देख सकते हैं आपकी कुल्लू में आपको जैसे घूमने को कई जगह मिल सकती है आपको, जैसे आजकल काजदार ट्रैक भी आपको जाने के लिए, और जैसे आपको दिया साइड जाने को यहाँ से अप्रोक्स 10 किलोमीटर फार है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह भी, और मतलब बाकी आप देख सकते हैं मतलब इधर बहुत सी जगह है देखने को, जैसे कि मतलब दियार हो गया, काइसधार हो गया, फिर आप काइसधार किस तरह, अच्छा काइसधार काइस मॉनेस्ट्री भी है वहाँ पे? नहीं, काइस अलग जगह है और काइसधार अलग जगह है, दोनों डिफरेंट है। वो किस तरफ को है हाथीराम से? नहीं, वो बाय मॉल होके यहाँ से बाय मॉल होके के बाद ऊपर, मॉल से ऊपर को चढ़ना, ऊपर को जाना आपने 16 किलोमीटर ऊपर ट्रैक है वहाँ पे, 16 किलोमीटर आपका जैसे कैंपिंग साइट भी ऊपर, सब चीज़ें रेस्ट हाउस भी। कौन सा विला है ये? ग्रीन विला। ग्रीन विला। ये है हमारा पुराना बचपन जहाँ पे हमने बिताया है, नानी जी का घर। तो ये रबर प्लांट इतना बड़ा हो गया दोस्तों, कुछ समय पहले बहुत छोटा सा होता था ये। तो अभी यहाँ पे मासी रहते हैं, मामा जी ने अपना नया घर बना लिया है, तो सबसे बड़े मासी रहते हैं यहाँ पे अभी, तो उनसे मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों कि है कोई, ताले लगे हैं और कमलांटी यहाँ पे है नहीं। ये दोस्तों पुराना घर हमारा, ये घर, यहाँ पे बैठ के हम जो है यहाँ से नीचे पिछली बात परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ बैठ के खाना खाया करते थे बचपन में दोस्तों। तो ये नानी जी का ओल्ड मतलब कि घर है नानी जी का, ये पुराना दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए बड़ी बड़ी माफ़ी चाहते हैं आपसे दोस्तों, सबसे बड़े मासी जी हमारे। तो ये आइज का इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम ना, मिनट बैठ जा, मैंने तो बैठना नहीं मैंने अब, क्यों? क्योंकि छुट्टियां कम है, वो एक मिनट तक बैठ जा गौशाला और ओल्ड। तो इसी साथ दोस्तों मिलते हैं आगे आपसे। ये रब्बू हमारा मामा जी का लड़का, जबरदस्त खतरनाक माइंड ब्लोइंग, लेकिन इसने बाइक की राइड नहीं करवाई यार मेरे को कसम से। करवाएंगे कब? बाजार तक, ठीक है दोस्तों
बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भैया के चैनल को, भाई को सब्सक्राइब कर दो। ब्लूपर्स हो गए यार दोस्तों, तो क्या करें, मस्त मिलते रहेंगे अब तो, आते रहेंगे हम, करवाएंगे दोस्तों आपसे बड़ी एक्सप्लोर करवाएंगे नाशपाती का। और यहीं से मेरे नानी नीचे गिरे थे और वो 22 साल तक जो थे वो यहीं बेड पे बेड रेस्ट पे हो गए। हम लेते हैं अलविदा मासी जी से, ठीक है, बाय कर दो, बाय बाय करो, बाय बाय बाय, हाथ से बाय। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने सफर को कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बाइक मिली है उनसे। क्या नाम है तेरी? हरनाम सिंह राणा। ये भी राणा कने, आ भी राणा कने, आधा काम है ब्लॉग बनाना था गांव मत दो। चलिए तो इस सफर का आपको भरपूर आनंद दिया जाएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी सीनरीज देखने के लिए मिलेगी और बहुत ही अच्छा दोस्तों ये सीट भी हमें मिल गई, बट मासी का जो है वो एक दिल में थोड़ा सा अटपटा सा रह रहा है। तो अब हम चलते हैं हरनाम सिंह अंकल के साथ यात्रा में, शॉर्ट्स बनाएंगे और बाकी आगे बढ़ते हैं। और बस जो पीछे खचाखच हरी हुई,